हालांकि ये बदलाव तो ऐसे हैं जिसने आम जनता को सहूलियत भी दी है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि इस बदलाव के साथ एहतियात जरूर हो। किस कदर ध्यान को भटकाने के लिए फोन को कसूरवार ठहराने वाले हम कैसे फोन पर इतने निर्भर हो गए कि अब बाजार से कैश गायब है, अब वो आपको हम दिखाते हैं। दिन भर आप अपना कितना फोन पर फोकस करते होंगे, कभी गेम तो कभी सोशल मीडिया। इससे भी अलग अब तो फोन हमारे काम का हिस्सा बन चुका है। लेकिन फोन के इतने आदि होने से पहले क्या आप पेमेंट के लिए भी फोन पर इतने ही निर्भर थे? ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, सवाल इसलिए खास है कि अब हम फोन पर पेमेंट के लिए पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, और ये बदलाव तब हुआ जब हमारी दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बात करते हैं इस डिजिटल दुनिया की। कोरोना संकट के बीच डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी के बाद भी चलन में करेंसी नोटों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। हालांकि करेंसी नोटों के चलन में बढ़ने की रफ्तार धीमी है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने एहतियात के तौर पर नकदी रखना बेहतर समझा। इसी कारण वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चलन में बैंक नोटों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI जैसे माध्यमों से डिजिटल पेमेंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई। देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI का UPI भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के तौर पर तेजी से उभर रहा है। इन सब के बावजूद चलन में करेंसी नोटों का भरना धीमी गति से ही सही लेकिन जारी है। पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत सबसे आगे है। पेमेंट सिस्टम कंपनी ACI वर्ल्ड वाइड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल 71% से ज्यादा होगा। वैसे तो डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ ही रहा था, लेकिन कोरोना के बाद इसमें और तेजी आई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2019 के बाद से ही डिजिटल पेमेंट में 41% बढ़ोतरी हुई। वही सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में छाने वाले भारत ने यहाँ पर भी अपना परचम लहराया। ACI वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पूरी दुनिया में 7.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जिससे पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा 2.55 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए। इसमें 15% ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं। अभी भी 61% ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि 2024 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बाजार शेयर 50% होगा, जो 2025 में 71% तक हो जाएगा। हालांकि ये बदलाव तो ऐसा है जिसने आम जनता को सहूलियत दी, लेकिन जरूरी हो जाता है कि इस बदलाव के साथ एहतियात भी हो, क्योंकि जहां एक क्लिक से आपकी भारी भरकम पेमेंट हो जाती है, वहीं ऐसा ही एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की कमाई को उड़ा भी सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के बाद हम डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा निर्भर हुए। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क।